नहीं मानते हैं। आखिरी बात बड़ी ऊंची बात आरती कहती है क्या? पापी नहीं मानते, मारते आरती को, गला दबाते हैं। आरती समझ गई कि जो मेरे पास 30,000 रुपया है, लगता इसी के चलते लोग मार रहे हैं। बैग का चैन खोलती, 30,000 रुपया निकाल कर पापियों के हाथ में रख देती है। फिर भी वो पापी नहीं मानते हैं। लेकिन विराट सुनने वाले भैया बाबू जरा गौर करिएगा, मारने वाले से बचाने वाली की बांह वकील साहब लंबी हुआ करती है। उसी रास्ते से फौजी जवान जा रहा था, अचानक उसके मोबाइल पर फोन आया। फौजी जवान गाड़ी को रोका, हेलो। तब तक चीखने चिल्लाने की आवाज, फौजी जवान फोन रख दिया, भाई फोन रख दो। इधर उधर देखा, पता नहीं पाया। जब छुप करके बाबू अरहर के खेत में देखलन तो एक औरत पर 4 पापी जुटे हैं। कंधे पर बैठा 12 हिंदुस्तानी फौजी जवान निकाल कर फेंक दिया। फौजी जवान दौड़ा करके बाबू यही कालर एक फौजी एक वो पापी बदमाश का पकड़ लिया। खसीटते हुए लाया फौजी जवान वही आरती के बगलिये में उठा के। कटक के नेता ने ठेगुनवा छतिया पे लगौलस और लगाए के त्यारस 4 के होनी। लगना 100 रुपया दिन फर 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 मत मारिए। हम लोग चोर थे, बदमाश थे, एक रईस इंसान बन गए। तब ले फौजी जवान खींच कर तमाचा दिया, साला बदतमीज, अरे कमरा की मदद नहीं कर सकता तो क्यों तू चारों मार रहा था, मुझे ये जानना है। अरे भैया आरती है, इनकर पति संजय शहीद। अरे बाप रे पप्पा, जब फौजी जवान सुन लो संजय शहीद, विचार करने लगा क्या वही संजय क्या जो मेरे साथ ड्यूटी कर रहा था, ए संजय की बीबी। तो फिर बोला क्यों मार रहा था, भैया इनकर ससुर, इनके शहीदी राश 10 लाख मिलल बा, इनकर ससुर 1 लाख हमान के दी है, 9 लाख अपने रख लिए। जब आरती के और आरती के बेटा के मार दी है यही, तब फौजी जवान दिमाग लगाया, समझ गया कि अगर मैं पैसे के चलते अगर आज आरती को बचा करके घर भेजवा दूंगा तो एक ना एक दिन संपत आरती को मरवा डालेगा। दिमाग लगाया, चारों बदमाशों से बोला, सुन भाई मैं भी इसी विभाग से हूँ, इसको और इसके बेटा को मार कर ऐसी जगह फेंकूंगा ना पेपर पत्रिका नहीं बोलेगा, और जा करके चारों लोग तुम 1 लाख रुपया संपत्ति से ले लेना। चारों बदमाशवा गए संपत्ति के द्वारे, और संपत्ति द्वारे ऐसा बैठल में रोहित भैया लगा था कि कई गाय का हत्या उनके लग रही है। लगवा से चारों बदमाश कैसन बड़ा उदा।